सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में, मैं ममता सोनी। सोच विचार मीडिया की टीम पहुंची राजधानी रायपुर से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित टीला डैम, जो चंपारण से 3 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के प्रांताध्यक्ष डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान ने उस स्थान का वर्णन करते हुए वहाँ पहुँचे सैलानियों से भी खास बातचीत की। आइए, हम आपको ऐसे जगह ले आए हैं और जहां सोच विचार मीडिया भी पहुंची है, और वो जगह है जिसे जानते हैं आप लोग, राजधानी के, और काफ़ी लोग इस जगह से परिचित हैं। ये टीला एनिकेट के नाम से जाना जाता है, और मैं टीला एनिकेट में जो एक मूर्ति देख रहे हैं, विशाल मूर्ति हनुमान जी की, उस विशाल मूर्ति के समक्ष हम खड़े हैं। और विशाल मूर्ति की जो देख रख रखाव करते हमारे साथ मौजूद है, वे हम ओकर से ही सीधा बात करथन कि वो बताइए एकर बारे में कि मूर्ति कितने फिट के है। तो आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीवान जी। ये के फिट के मूर्ति है? 81 फुट की। ये लग के साल लगी इस बने में? 3 साल। और ये कई साल से ते एकर सेवा करत हस? 10 साल। 10 साल। ये में पर्यटन मन जो आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, तो कितने लोग आ जाते हैं? में 250-300 प्रतिदिन। प्रतिदिन नहीं, त्योहार बार है, इतवार उतवार है, कोई छुट्टी वुट्टी है उसमें आता है, प्रतिदिन 50-100 आदमी आ जाता है। तो ये जो मूर्ति बनाए गए है, ये यहीं के कारीगर मन बनाए हैं कि कौन बनाए हैं मूर्ति? लिमोरा वाला पीटू राम। हाँ। और कारीगर लोग यहीं का है, यहीं के हैं। हाँ। एकर बनाए के पीछे का उद्देश्य रही से बजरंग बली की मूर्ति के? ये एनिगेट बनने से इसको बनाया गया है। में पता चले कुछ परेशानी आत रही से? हाँ, कोई परेशानी नहीं है एनी गेट बनने से। उसके उपलक्ष में इतने बड़े विशाल मूर्ति बजरंग बली का बनाया गया है महानंदी के तट पे, और यहाँ पे शंकर भोले बाबा का भी मंदिर है। ये मूर्ति के जो पीछे देखा था चारों तरफ का मूर्ति लगे है? नौ ग्रह लगा हुआ है, शनि राहु केतु मंगल बुध गुरु शुक्र बृहस्पति लगा हुआ है। नौ ग्रह मंदिर लगा हुआ है, राम जी का मंदिर है, बजरंग बली का मंदिर है, और शंकर भगवान का मंदिर है एनी गेट टीला में। चलिए हम आज और एक उनसे बात करते हैं सीधे, जो कि देख रहे होंगे जो पूजा पाठ की सामग्री होती है, दुकान जो लगी हुई है, हम उन्हीं से बात करते हैं सीधा। आपका नाम बताएं? लोकेश साहू। कहाँ रहते हैं आप? चंपारण। ये जो आप दुकान लगाए हैं, इसमें आपके पर्यटन के जो भी सामग्री लेने आते हैं, जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? हाँ, संतुष्ट। आपकी रोजी रोटी निकल जाती है? निकल जाती है। अच्छा, इसका कोई किराया वराया तो नहीं देते? नहीं, अभी नहीं देते। और ये बताओ कि जो भी यहाँ आते हैं तीर्थयात्री या पर्यटन यात्री आते हैं, दर्शन करने आते हैं, आपको और क्या चीज़ यहाँ नज़र होना चाहिए, क्या ऐसी सुंदरता, क्या चीज़ होना चाहिए, क्या कमी खलती है आपको यहाँ पर? वैसे तो सब प्रॉपर अभी ठीक ठाक है, थोड़ा सा मान के चलो व्यवस्था, मतलब जैसे यात्री का थोड़ा सा व्यवस्था है, वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। जैसे कि यहाँ पे ये अपना है गार्डन वार्डन है, उसका थोड़ा सा वो है सर्विस वगैरह है, वो भी अभी फिलहाल तो अच्छा चल रहा है सब। चलिए, बहुत अच्छी बात कही कि थोड़ी सी व्यवस्था और दुरुस्त कर दी जाए तो पर्यटन तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ेगी। मैं और कुछ तीर्थयात्रियों से यहाँ जो पर्यटन करने आए उनसे भी चर्चा करता हूँ कि आप घूम देखेंगे कि जो यहाँ आए हैं वो कैसी अनुभूति कर रहे हैं। हम उनसे भी लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं। मेरे सामने देखेंगे कि इधर आपको पानी का जो नज़ारा दिख रहा होगा, पूरी आपको एक अच्छा जल का जो होता है अपने आप में वो नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। और मेरे फिर हाथ तरफ बाएं तरफ देखेंगे कि आपको एक गार्डन जो है नज़र आ रहा होगा। उसी प्रकार से हमारे इधर भी देखेंगे तो गार्डन नज़र आ रही है, बैठने की चेयरें भी दिख रही हैं कि लोग उस चेयरों में जो सीमेंट की चेयर बनाई गई है उसमें आते हैं, विश्राम करते हैं और यहाँ का नज़ारा देखते हैं, और दर्शन और बजरंग बली की कृपा का आशीर्वाद और शिव की भी यहाँ बताए गए हैं, और नवग्रह की मूर्तियाँ लगी हुई हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। हम यहाँ आए हुए और भी लोगों से कुछ चर्चा करेंगे, जो आइए ले चलते हैं हम आपको।
आइए सोच विचार मीडिया जो यहाँ पर्यटन घूमने बच्चे आए हैं मेरे सामने वो भी मौजूद है, मैं बच्चों से भी चर्चा करूँगा और यहाँ जो आए हैं उनको कैसा महसूस हो रहा है, सीधा मैं उन्हीं से बात कर रही है, सीधा रूबरू हो रहे हैं हम खास बातचीतों का, क्योंकि ये बहुत कम वक्त मिलता है और ऐसे कोविड कोरोना में बच्चे जो नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी इस समय कहना चाहिए बच्चों लोगों का कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ आके, सारी चीज़ें हम उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम भारती साहू है। कहाँ रहती हैं? मैं यही राजीव से ही हूँ। आप यहाँ इसके पहले भी आई हैं? हाँ, यहाँ तो हमेशा आना रहता है हम लोग का। अच्छा, ये हमेशा आना रहता है यहाँ। जो आप आ रही हैं लगातार, किस तरह से महसूस करती हैं आप? ये बहुत ही अच्छा नेचुरल प्लेस है, तो यहाँ आने से बहुत ही मतलब शांति ऐसा महसूस होता है। क्या जॉब करती हैं आप? मैं टीचर हूँ TVS में, यही नेपारा इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छा, ये आपके साथ जो आए हैं आपके बच्चे लोग हैं? ये मेरे हस्बैंड है, मेरी शादी अभी जस्ट दिसंबर में हुई है। अरे चलिए, हमारी सारी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छी कि नई जोड़ियां के साथ हम खड़े हैं और मैं उन्हीं से ही बात करता हूं, उनके मिस्टर भी साथ में आए। आप अपना नाम दें। डॉन सिंह साहू। और कहाँ रहते हैं आप? मैं रायपुर में हूँ। आप ये जो आए हैं यहाँ जो देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? ये चंपारण एनीकट के नाम से जाना, टीला एनीकट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो अनुभूति कर रहे हैं यहाँ, क्या कमी आपको महसूस हो रही है? कमी मेरे को उस हिसाब से ज़्यादा तो ऐसा नहीं लग रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा सा साफ सफाई और ये जो व्यवस्था है बाकी सब अच्छा है, ऐसा कुछ खराब नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही कि अच्छा लगता है और जो व्यवस्थाएं थोड़ी सी। मेरे साथ और कुछ बालिकाएं भी नजर आ रही हैं, छोटे से नन्हे बच्चे आ रहे हैं, वो सारी भी आप उनसे भी मैं बात करूंगा, इधर देख रहे होंगे कुछ बच्चे। अच्छा, आप बढ़िया झूला झूला थे, बढ़िया मस्त है, अपन वो देखा तो कि झूला झूल रहे हैं, मरुआ नज़ारा देख रहे हैं, फिर मैं आपको सीधा वहां ले जाऊंगा। चलिए, मैं कुछ बच्चियां खड़ी हैं उनसे भी बात कर लेता हूं, गोड बात कर लेता ना मन, जो हमारे छत्तीसगढ़ी के लड़का मन है, बच्चा मन कहाँ कहाँ सोचते हैं। ये आप नाम बताएं। मेरा नाम रितिका साहू। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? फोर्थ। ये ला का कहूँ, कैसे लगा थे तोला? अच्छा। अच्छा लगा थे? हाँ। तैयार थे कि ये पहली बार आज जी? बहुत बार आ चुके हैं। हाँ। चलिए, तली के घर का हाथ इनका हम स्वागत करते हैं। कम से कम बच्ची जो है कि कहती है मैं बहुत बार आई हूँ। आपका नाम बोले? मेरा नाम आर्यन साहू है। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में? 8 में हूँ। अच्छा, अभी तो रिजल्ट नहीं आ रहा। आप यहाँ आके कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक। आपका नाम? संस्कृति साहू। क्या करती हैं? स्टूडेंट है। स्टूडेंट हूँ। कौन सी कक्षा पढ़ती हैं? 5th। कहाँ रहती हैं? पथर्रा राजम। ये जो तोला बने लगे थे कहाँ, जहाँ आए हैं? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। चलिए, मेरे साथ एक नौजवान बालक है जो काफ़ी अपने आप में उनमें कुछ जिज्ञासाओं को हम जानेंगे कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवानों के जो हमारे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के जो हमारे चले हैं वही बारे में मैं वोकर से बात करूं कि तक जानते हैं। तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आकाश साहू है। आप ये बताएं कि ये जो देख रहे हैं एनीकट डैम में, इसमें और क्या सुंदरता, क्या चीज़ लानी चाहिए जिससे इसमें पर्यटकों की संख्या बढ़े? फर्स्ट तो यहाँ जरूरी है साफ सफाई की। उसके इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि साफ सफाई जरूरी है, पर दूसरा सवाल मैं उनसे ही डायरेक्ट करता हूँ कि हमारे जो नौजवान लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के, उनकी किस चीज में रुचि रहती है और ये जो एनीकट बना हुआ है जो कहा गया है और इसमें उनका क्या कहना है वो भी बोलते। तो आपका जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के हैं, उन्हें कहा है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो इसमें जो ये गढ़ने का छत्तीसगढ़ की बात है उसमें आप इसको क्या मानते हैं? मेरा मानना ये है कि हर एक प्लेस मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब आकर्षण जैसे लगना चाहिए देखने से। यहाँ मतलब अंदर आने के बाद लग रहा है बाहर से ऐसा कुछ नहीं दिखता है। तो बेहतरीन चीज़ का जवाब दिया है इन्होंने कि बाहर से नहीं लगता, जब अंदर घुसते हैं तब इसके सौंदर्यता का और प्रकृति का जो किस तरह से बनाया गया है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही। आखिरी सवाल मैं उनसे करूंगा और जो हमारे छत्तीसगढ़ के बात कहे जाते कि एक अगर गांव से जुड़े हैं राजिम के बात के सभी आसे पास गाँव के बात करे हैं तो मैं गाँव के बारे में भी कुछ चर्चा कर लूँ। कबर के आए हैं, जब हम शहर से आए हैं तो गाँव के गोड बात हो जाना चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ। तो लीजिए, मैं डायरेक्ट गोड बात के लिए गाँव ही के उनसे बात करता हूँ कि आप ये जो देखा हूँ मैं आते हुए, ये नरवा गरुआ घुरुआ बारी, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? नरवा कहाँ पे? पागल, आप बताएं। अच्छे है इसमें मतलब हमारे जो नया जो जैसे कि अपन क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं, हमारे जो देश है
मतलब वातावरण में प्रदूषण वगैरह इन सब चीज़ों से मतलब नेचुरल चीज़ें मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, नरवा गरवा घुरवा बारी, अपने संस्कृति को बढ़ावा दिया गया है जो लगभग लगभग भूल से भूले नहीं हैं, लेकिन अवहेलना जो हो रही है उसको मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने एक दीपक को आंधी से बचाने की अच्छा प्रयास किया है। वेरी गुड, बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने दीपक को कहा है कि उसको कैसे बचाना चाहिए, इस पर उन्होंने इंगित किया है। मोर सामने जो टीचर भी है और ये मन काफ़ी वो करते हैं, तो मैं काबर ने एक मन से सीधा दो तीन सवाल करके और हमन आगे बढ़बो। ये मैं जो मैं कहूँ कि जो हमारे गोठान नरवा गुरुआ बारी के जो चला थे जो सरकार है चलाए है गाँव गाँव में, तो वहू के बारे में वो मन पढ़ात हुई स्कूल में जाना थे समझा थे, और जो गोधन न्याय वो चला आए गए है एकर बारे में भी मैं तो आप बताएं, ये गोधन जो न्याय योजना चली है और जो गोबर खरीदने का आपके आसपास खरीदते हैं? हाँ खरीदते हैं, 2 रुपए किलो में बिक रहा है। इससे क्या स्थिति है? इससे क्या है कि जो गांव में गरीब लोग हैं उनको भी थोड़ा फायदा हो रहा है ना, कि गोबर का कुछ इस्तेमाल, क्योंकि गाँव में अभी भी गोबर से पोताई करते हैं, चूल्हा भी जल रहा है, क्योंकि अभी जो रमन सिंह थे वो तो बदले गैस सिलेंडर दे दिए हैं ना, लेकिन उसका रेट जो है अभी 900 हो गया है, तो गांव के लोग ये तो नहीं कर पाएंगे, और पॉल्यूशन उससे नहीं होता, पॉल्यूशन के तो बहुत सारे रीज़न हैं, और वो तो ज़्यादातर शहरी इलाकों से ही हो रहा है, फैक्ट्री वगैरह जो चल रहे हैं जो कारखानों से पानी निकल रहा है उससे अधिकतर जो पॉल्यूशन हो रहा है वो हो रहा है ना, कि गाँव के लोग चूल्हा जला रहे हैं उससे। चलो मैं छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी जो हमारे कहे गए नरवा गुरुआ बारी नरवा घुरवा गरुआ बारी एकर बारे में तुमन काबर जुड़े हो ओकर से, तो जो यहाँ बने हैं गौठान जो मैं देखा था आए हूँ, तो ऐसे का आप महसूस करता हो, कैसे है आप कैसे लगते? ये तो मतलब गांव का सबसे प्रमुख चीज़ है, यही गांव की पहचान है ना, गांव का जो आजीविका है यहीं से चलता है, किसानों का गाँव का पूरा, और मतलब वही लक्ष्मी है अपनी गाँव की ही, इसलिए हम लोग पूछते भी हैं। और ये जो खाद के लिए जैसे हम लोग बाहर का रसायन यूज़ करते हैं वो तो एक तो हेल्थ के लिए सही नहीं होता, उससे टेस्ट भी ख़राब होता है, तो वही चीज़ें जो हम लोग फेंक रहे हैं बाहर में उसी का हम लोग रीयूज़ करके उसको खाद के रूप में यूज़ करेंगे तो उससे अपना फसल भी सही होगा। चलिए बहुत अच्छी बात कही है। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी नजरें हमारी।